हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुंदरू की सब्ज़ी कैसे बनाएं देसी स्टाइल में, टेस्टी वाली। चलिए अब हम इसे चाकू की मदद से काट लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने काट लिया है, एकदम ये फ्रेश फ्रेश है। ये मेरे किचन गार्डन का ही है, आप इसे मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इसे। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे। ये लहसुन है, ये जीरा है, थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे, 2 से 3 लाल मिर्च लेंगे। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट लाल मिर्च इसमें टेस्ट ला देता है। पहले हमने इसमें लहसुन डाल दिया है, अब हम इसमें जीरा मिक्स करेंगे, अब हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे। ये हल्के से रेड रेड हो जाए, देन हम इसमें मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, जब ये हो जाए तब नहीं, ये मिर्च जल जाएगी। हल्दी मिक्स कर दिया हमने इसमें, देखिए लगभग ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें कुंदरू को ऐड करेंगे, 500 ग्राम। ये 1/2 kg कुंदरू है, इसे हमें इसको हम बिल्कुल भी ढकेंगे नहीं, स्लो फ्लेम में इसे पकाना है, बढ़िया ब्राउन ब्राउन करने हैं। ये देखिए, ये स्लो फ्लेम में हमने इसे धीरे धीरे पकाया है, देख रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे हो गए हैं ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, हम इसमें ऐड कर रहे हैं अमचूर पाउडर। इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हमने ढका नहीं था, गैस की लो फ्लेम में ये धीरे धीरे पका है, देख रहे होंगे। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये भुजिया है, इसमें ज़्यादा कुछ आप आलू और प्याज ये सब मिक्स ना करें, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये बनके रेडी है, अब ये सब्ज़ी बनके एकदम रेडी है, आप देख रहे होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।